गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गणेश चतुर्थी मेकअप लुक। आई नो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, बट अभी तक गणेश विसर्जन नहीं हुआ है तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। ये लुक क्रिएट करने में जो भी मेकअप प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं, सारे का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड बहुत ही सिंपल सा ज्वेलरी वेयर किया सिल्वर कलर से, जो मेरे ड्रेस से मैचिंग था, तो सोचा इस तरीके से वेयर कर लूँ। नोज पिन भी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। एंड इस तरीके का मेकअप लुक बहुत ही सिंपल स्टनिंग सा मैंने क्रिएट किया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, एंड मेरे चैनल पे अभी तक न्यू है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे रोज वाटर। मैंने यहाँ पे गुलाब जल यूज किया, इससे आपकी स्किन काफी अच्छे से हाइड्रेट रहती है। समर में आपकी स्किन में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारे लोगों को, तो आपको थोड़ा सा लेना है अपने पाम पे एंड इसको टैप टैप करते हुए अपने स्किन पे आपको अप्लाई कर लेना है। ये ना बहुत धीरे धीरे जाएगा, आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ टाइम बाद आपको काफ़ी अच्छा फील होता है एंड इसका रिजल्ट आपको कुछ दिनों के बाद काफ़ी अच्छा मिलता है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ एल्फ गुडनेस का कुकुम्बर टोनर। ये मैंने बहुत टाइम यूज़ किया है गाइज, और समर के लिए बहुत ही सही वाला ये टोनर है। इसमें कुकुम्बर है जो कि आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से टोन करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखता है, तो समर में आप इसको परचेज कर सकते हो। देन उसके बाद मैं प्राइमर के लिए ले रही हूँ यहाँ पे NYBA का प्राइमर। ये वाला प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया था कुछ दिनों पहले, दो तीन टाइम से मैं यूज़ करके देख रही हूँ किस तरीके का है। इसका हॉल वीडियो भी शेयर किया था एंड इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो जो भी रिव्यूज़ है अगर आप लोगों ने नहीं देखा लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ से चेकआउट कर लेना। इसको अप्लाई करने के बाद ना अपने लगेगा बहुत स्मूथ हो गई आपकी स्किन, काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आ जाता है फेस पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है। फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा नहीं है, सिंपल सा फ्रेग्रेंस है इसका एंड कुछ खास नहीं है, बट हाँ इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। देन उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे लैक्मे का ऑल इन वन पैनकेक। ये वाली वीडियो बहुत पहले आई थी जब मैंने ये वाला प्रोडक्ट परचेज किया था, आई थिंक 1-2 मंथ पहले, एंड रिव्यू भी शेयर किया था उस पर, सो वो भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। ये कंसीलर का भी वर्क करेगा, फाउंडेशन का भी वर्क करता है, तो इसको एज अ कंसीलर फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हो। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपने पूरी आईलिड एरिया पे जहाँ पे भी मेरे पिंपल्स हैं या फिर डार्क पैसेज हो जाते हैं उसको हाइड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा थिक है, इसको अच्छे से ब्लेंड करना होता है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। मेरी स्किन से एक शेड लाइट है, तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लाइट है तो आप थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट यूज़ कर लेना यहाँ पे एंड काफ़ी अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना। यहाँ पे मैं स्किन प्लस का फ्लफी ब्रश यूज़ कर रही हूँ जिससे कि काफ़ी अच्छे से ब्लेंड आउट भी हो जा रहा है। ये वाला जो ब्रश है इसका हॉल कुछ दिनों पहले ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज का है, 250 अप्रॉक्स में मुझे मिला था सारे सेट। देन उसके बाद मैं अपने आईलिड एरिया पे अप्लाई करी कंसीलर। ये NYBA का स्टिक कंसीलर है एंड ये ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, ना ही बहुत ज़्यादा ऑयली और चिपचिपापन है इसमें, ये स्मूथ हो जाएगा एंड आपके फिंगर से भी काफ़ी अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है, तो आपको ब्रश नहीं यूज़ करना है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं अपने आईलिड एरिया पे अप्लाई किया, अपने फोरहेड पे, फिर अपने नोज कॉर्नर पे, जहाँ पे भी आपको डार्क सर्कल्स, डार्क पैच, स्पॉट्स लग रहे हैं कि इसको हाइड करना है, आपने अप्लाई कर लेना है एंड इस तरीके से कॉर्नर फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी। और ये जो ब्रशेज है इसका सेट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो इसका रिव्यू भी नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लेना गाइज। जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आज, सारे प्रोडक्ट का मैंने रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छे से नेक पे भी अप्लाई कर लीजिए क्योंकि फेस और नेक में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है तो फिर वो लुक अच्छा नहीं लगता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन का फ्लोरिना फाउंडेशन। ये मेरा खत्म होने वाला है एंड मैं इसको न्यू परचेज करूँगी क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये फाउंडेशन। आप अपने हैंड से ब्लेंड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने हैंड से ब्लेंड करने पर ये थोड़ा सा कैकी हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये फाउंडेशन एक बार परचेज करके देखना, रेंज भी ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स का बहुत ही अच्छा होता है, तो अगर आप बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में अच्छा फाउंडेशन परचेज करना चाहते हो तो ये सही रहेगा आप लोगों के लिए। एंड उसके बाद मैं इसको यूज़ करके अप्लाई करके एंड अच्छे से मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ एक ब्लेंडर की हेल्प से। ब्लेंडर को काफ़ी अच्छे से स्क्वीज आउट कर ले वाटर में, उसके बाद काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। नेक एरिया पे भी मैंने अप्लाई किया, आईलिड पे अप्लाई किया, अपने फोरहेड पे थोड़ा सा अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया। देन मैं इसको सेट करने के लिए यहाँ पे ले रही हूँ फेयर एंड लवली का कॉम्पैक्ट पाउडर। इसमें आपको दो सेट मिलते हैं, जो भी आपके सेट हैं, जो भी आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग है उसे आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इसको मैं अप्लाई करूंगी अपने आईलिड एरिया पे, जो भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया उसको सेट करने के लिए। आप यहाँ पे लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास है, सिंपल से प्रोडक्ट से भी आप ये मेकअप क्रिएट कर सकते हो।
तो अच्छे से मैंने अपने आईलिड एरिया पे एंड पूरे फेस पे इसको ब्लेंड कर लूँगी, अच्छे से सेट कर लूँगी एंड एक फ्लैट स्मज ब्रश से इसको काफ़ी अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी एंड जितने अभी एक्स्ट्रा होता है उसको आपको हटा देना है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का ये पिंक शेड एंड इससे मैं अपनी क्रीज लाइन को थोड़ा सा बिल्डअप करूँगी। यहाँ पे मैं आउटर भी एरिया पे थोड़ा सा मूव करते हुए क्रीज लाइन के अंदर तक लेके जाऊँगी, इनर कॉर्नर तक इस तरीके से। एंड आपको बहुत ही हल्की हैंड से इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है काफ़ी धीरे धीरे, इससे आपकी क्रीज काफ़ी अच्छी सी बनेगी एंड मेरे ड्रेस से मैचिंग था तो आपका जो भी ड्रेस आप वेयर करते हो उसका लुकआउट यहाँ पे आपको करना है, एक क्रीज बना लेना है, उसको अच्छे से ब्लेंड आउट करना है। इस तरीके का एक ब्रश आता है जो आपके आई के लिए होता है खासकर, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ स्मॉल फ्लफी ब्रश और ये बहुत ही छोटा सा ब्रश है जिससे आप अपनी क्रीज एरिया पे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर पाओगे। देन उसके बाद जो आईलिड एरिया मैंने छोड़ा था उस पर मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर के लिए मैंने फिंगर यूज़ किया, यहाँ पे ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो फ्लैट ब्रश भी ले सकते हो। ये कंसीलर जो मैं अप्लाई कर रही थी अपने आईलिड एरिया पे सेम से मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है एंड इसको काफ़ी अच्छे से फिंगर से मैंने सेट कर दिया। देन उसके बाद सेम सेकेंड मेथड से मैं अपने सेकेंड आई पे अप्लाई कर लूँगी। देन उसके बाद अपने कंसीलर पे जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया आईलिड एरिया पे मैं सेट करूँगी यहाँ पे सिमर शेड। ये ग्रीन कलर का सिमर शेड है जो ग्लैम 21 के सेट में आता है और बहुत ही सही शेड है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हेवी लगता है, बहुत ही सिंपल सा है। और इसको अप्लाई करने के लिए आप कंसीलर पहले अप्लाई कर लेते हो तो काफ़ी उभर के आता है, आप डायरेक्टली भी इसको यूज़ कर सकते हो बट इसका जो लुकआउट है इस तरीके से नहीं आएगा। तो दोनों आई पे मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने हाफ कॉर्नर पे मतलब हाई साइड में ही मैंने अप्लाई किया है एंड देन उसके बाद जो इनर कॉर्नर है उसको मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया है एंड एक स्मॉल फ्लैट ब्रश जो आते हैं इस सेट में उसकी हेल्प से मैंने अप्लाई किया। देन इनर कॉर्नर वाले जगह पे मैं चॉकलेटी सिमर से अप्लाई कर रही हूँ। तो पूरा जो बिल्डअप मैंने किया है आई का मेकअप मेरे ड्रेस से मैचिंग है क्योंकि इसमें ये सारे कलर थे ड्रेस में, तो मैंने कुछ इस तरीके का आई लुक क्रिएट किया है। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा बट जब ये पूरा अच्छे से निकल के आएगा तो अब आपको बहुत ही खूबसूरत सा लुक लगेगा। देन उसके बाद मैं अपने आई कॉर्नर को इनर कॉर्नर को यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। इनर कॉर्नर के मैंने स्मॉल ब्रश लिया है, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी एंड कुछ इस तरीके से आपको हाईलाइट करना है। इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के बाद मैं यहाँ पे लोअर जो लेसेस के नीचे जो एरिया होते हैं वहाँ पे आपको एक स्मज ब्रश की हेल्प से सेम पिक से मैं यहाँ पे स्मज कर रही हूँ जिससे ये पूरा ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छे से बन गया है। नाउ इस टाइम आप देख सकते हो आई लुक अच्छा लग रहा है बट इसमें थोड़ी सी कमी लग रही है, तो आपने क्या करना है एक काजल की हेल्प से अपने वाटर लाइन एरिया को अच्छे से बिल्डअप करना है। यहाँ पे आप लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन दोनों को कवर अप करोगे तो ये अपर वाले जो एरिया होते हैं इसको कवर करने के बाद आपकी आई काफ़ी खूबसूरत सी लगने लगती है। तो इस तरीके से आपने बस अप्लाई कर लेना है। देन उसके बाद मैं अपने ब्राउज को सेट कर रही हूँ। ब्राउज को सेट करने के लिए मैंने कॉर्नर ब्राउज ब्रश की हेल्प से पहले ब्राउज को सेट किया है एंड उसके बाद मैं यहाँ पे शेड अप्लाई करूँगी ब्लैक से। एंड ये वाला आई शेडो पैलेट जो है हुडा ब्यूटी का है, इसमें आप ब्राउन शेड भी अप्लाई कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है जो भी आप फील करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे ब्लैक शेड से अप्लाई कर लूँगी एंड कुछ इस तरीके मैं अपने ब्राउज का शेप दे रही हूँ। थोड़ा सा मोटा नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा पतला है, मीडियम साइज़ का मैं यहाँ पे ब्राउज बनाऊँगी एंड जितना आपको रखना है उस तरीके से आप कर सकते हो। तो ओवरऑल लुक इस तरीके का है। देन उसके बाद आप चाहो तो आईलाइनर यूज़ कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना है तो भी आप इसको इस तरीके से छोड़ सकते हो। तो ये आई मेकअप है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई करूँगी क्योंकि जो मैंने अपने आईलिड एरिया पे यहाँ पे जो मैंने आई शैडो अप्लाई किए हैं वो थोड़ा सा विंग आईलाइनर की तरह का है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा विंग आईलाइनर का शेप दूंगी एंड उसके बाद आपकी जो आईज है उसका ओवरऑल जो लुक आएगा वो बहुत ही खूबसूरत आता है।
उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का मस्करा। उससे आप ओरिजिनल लेसेस को फिलअप कर सकते हो या फेक लेसेस अप्लाई करते हो उसको फिलअप कर सकते हो। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग के लिए ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का कॉन्टोर शेड एंड अच्छे से अपने फेस को थोड़ा सा साफ दिखाने के लिए यहाँ पे कॉन्टोर कर लूँगी एंड एक फ्लैट फ्लॉपी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी। कॉम्पैक्ट पाउडर वाले जो ब्रश आते हैं और काफ़ी स्मज करना है आपको अच्छे से। एंड इससे क्या होता है, आपकी फैटी स्किन है या फिर फेस जो है बहुत ज़्यादा फैटी है तो ये काफ़ी साफ दिखाता है एंड काफ़ी शार्पनेस आ जाएगा आपके फेस एरिया पे। देन उसके बाद एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे नोज एरिया पे एक ड्रॉ लाइन बनाऊंगी एंड अच्छे से फिंगर से ब्लेंड कर लेना है। सिवाना कलर्स का हाइलाइटर से मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी एंड अपने फेस को हाइलाइट करूंगी। यहाँ पे जो भी हाइलाइट करना है आपको हाइलाइटिंग पॉइंट पे यूज़ करना है। जहाँ पे भी आपने हाइलाइटर यूज़ करना है आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे अपने चिन एरिया हो गया या फिर ब्राउज बोन हो गया, नोज पॉइंट एरिया हो गया, क्यूपिड पो पे हो गया, इस पे अच्छे से आपको हाइलाइटर अप्लाई करके इसको ब्लेंड आउट कर लेना है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अपने नेक बोन पे भी अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत लगता है जब आप मेकअप फिक्सर से सेट करते हो मेकअप को, तो ये लुक बहुत ही अच्छा बन के आएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करी हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं यही मेकअप फिक्सर ज़्यादातर यूज़ कर रही हूँ। हाँ गाइस, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड डेफिनेटली यार बहुत अच्छा लग रहा, तभी तो इतना यूज़ कर रही हूँ एंड काफ़ी अफोर्डेबल है। तो इसको अप्लाई करके इससे सेट कर लिया एंड देख सकते हो जहाँ पे भी मैंने हाइलाइटर यूज़ किया था वहाँ काफ़ी अच्छा हाइलाइट कर रहा है मेरे फेस को। देन उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैंने ब्लू हेवन का लिपस्टिक लिया है। इसके यूज़ करने के बाद आपने कोई भी लिप बाम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मच और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना के रखता है। काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर लिया एंड पूरा लुकआउट इस तरीके का आपको मिलेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेयर स्टाइल बनाने का कोशिश कर रही थी तो मैंने सोचा साइड बन बन ही यहाँ पे बना लूँ। साइड बन बनाने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपने बाल को इस तरीके से एक साइड लेके एक रबर बैंड की हेल्प से उसको अच्छे से फोल्ड किया एंड अगेन एक रबर बैंड लूँगी एंड उसको सिक्योर करूँगी कुछ इस तरीके से। मैसी सा बनाना है आपको और सेकेंड रबर बैंड की हेल्प से आपको एक बन तैयार कर लेना है एंड उसको सिक्योर कर लेना है बन क्लिप की हेल्प से। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने इयर रिंग्स, और बहुत ही छोटी सी इयर रिंग्स थी एंड उसके बाद अपने नोज पिन को मैं यहाँ पे वेयर कर लूँगी तो कुछ इस तरीके का लुकआउट आएगा। एंड देन उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे बॉडी लोशन जो कि है वैटलिन का बॉडी लोशन एंड अपने हैंड पर थोड़ा सा मैं अप्लाई कर यहाँ पे अभी वेयर कर रही हूँ अपने नेकलेस। और ये वाले जो नेकलेस है गाइस बहुत पहले मैंने यूज़ किया था। मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ अपने फेक नेल्स एंड यह इस तरीके से आपने अप्लाई कर लेना है। इन मेरे सिल्वर कलर की ये बैंगल्स थे और कुछ इस तरीके का था तो मैंने वेयर कर लिया। सो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करना। मिलूंगी फिर से इस टाइप की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।